खाने की चीज लाए हो, जरा देखो तो। मैंने इसे लट्टा के घर से चुराया, मुश्तरी वाले भी त्या है। ऐसी चीज तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। ये क्या है? ये छोटा सा डिब्बा है। नहीं, इसके कुछ भी मुझे नहीं पसंद है ये। ओह था। अरे अब जाने भी दो, इसे तो बस खाना ही सोचता है। मुझे अच्छी तरह से पता है ये क्या है। शिविर पे जाने वाले लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। देखो तो जरा, देखा, ये माचिस है। माचिस? सही समझे, लकड़ी पे आग। मनुष्य द्वारा किया गया वो आविष्कार है जो कि हमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किसी को भी नुकसान हो सकता है। हाँ, मेरा हाथ जल गया। मैं तो हजारों माचिस की जगह पे एक ही एप्पल चुनूंगा। हमें इनसे बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। मुझे शायद बहुत पसंद है। कितना अच्छा है। ये बदबू कहाँ से आ रही है? हाँ भाई, डब्लू आग लग गई, देखो तुम्हारे पीछे। अरे देखो, ये बच्चा डब्लू तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। भाई रहने दो, आप तो रहने दो, आपके गलती की वजह से हुआ ही सब कुछ। आपने माचिस मेरे तरफ फेंक दी थी। देखो आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी, समझे? चलो डब्लू, मुझे माफ भी कर दो। हाँ भाई। हाँ, इतनी अच्छी खुशबू है ना। ये तो तंदूरी है। हमें जल्दी से लक्का के घर पे जाना चाहिए भैया। चलो चल के देखते हैं। कितना लजीज तंदूरी है। इसके दिमाग में चल क्या रहा है? ये सब कुछ ऐसे मौसम में थोड़ी किया जाता है, इससे तो जंगल में आग लग सकती है। ये बेवकूफ डब्लू अपने आप को मुसीबत में डाल देगा। चलो यार। अच्छा, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। आ तो खाना तैयार है। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? चुप रहो। चिकन आज का सबसे लजीज भोजन है। मुझे चिकन बहुत पसंद है भैया। वो हमें भी जलाकर तंदूरी बना देगा। मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। नहीं रोक सकते ना अपने आप को? हे बबली डब्लू, तुम लोग कितना सारा खा रहे हो, कुछ तो भी दो ना, मुझे भी जाना, कुछ तो भी दो ना। माफ करो चिंटू। चिंटू तुम्हें तुम भी खाओ। हाँ कितना अच्छा है ना ये। अगर लक्का टकले से उसका काम छीन लेगा है ना, तो थाना बेच के जिंदा रह सकता है। तो सब कुछ तैयार है। वाह क्या सुगंध है। खाने के लिए तैयार क्या? गंदे भालू, बहुत हो गया। इन गंदे भालुओं ने मेरा मजा किरकिरा कर दिया। अरे मजा आ गया डब्लू, मुझे एक और चिकन दो। ठीक है।
चिकन टंगड़ा चिकन टकड़े चिकन टंगड़ा। क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? लका हमारी। डब्लू, तुम आखिर इतनी देर क्यों लगा रहे हो? हम पकड़े गए। तुम्हें चिकन चाहिए, मैं देता हूँ, ये लो। मुझे लगा कि ये गुस्सा करेगा। अब बहुत होगा, भाड़ में जाओ तुम दोनों। ये लो खाओ, तुम्हारे गले में फंस जाए। खाओ खाओ। मुझे लगता है कि ये चाहता है कि हम दोनों मिलके खाएं। यहाँ पर लो। बस होगा, तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया। समझ गया। तो भालू, तुम्हें बहुत भूख लगी है, तो ये लो गरम आलू खा कर देखो। ये लो गरम जाए बहुत। अरे लखा, तुमने ये अच्छा नहीं किया। अच्छा तो तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? कितना अच्छा है तुझमें। मेरी पूछ भी ऐसे दे, तो ही बचा मुझे, मेरी जान नहीं चल रही है। अरे मेरी पूछ चल रही है। ये सही बात, जो लखा के साथ पंगा लेगा उसकी जान चली जाएगी। मेरे घर में कहाँ घुस रहा है? अबे रुक जा। अरे जलेबी पूछ ले के मेरे घर में क्या घुस गया तू? भाग यहाँ से। अब हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा। लट्ठी बंदूक में आग लगी हुई है। इसके पूछ ने लक्का के बंदूक में आग लगा दी। अरे लक्का हमें खाना क्यों लाकर देगा? अब मैं खाऊंगा तंदूरी भालू। अरे उसके पास बंदूक है। वो देखो लक्का, वो देखो, तुम्हारे घर में से धुआं निकल रहा है। मैं बेवकूफ नहीं बनने वाला। नहीं, मेरा घर जल रहा है। मेरा घर जल रहा है। मेरा घर जल रहा है। मेरे साथ ये क्या? ये आग तो बढ़ती जा रही है। घर में आग लगी थी। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? ये पानी लेकर आता हूँ। क्या कर रहा है? अरे हट जाओ मेरे रास्ते से। इससे कुछ नहीं होगा, और पानी चाहिए। मेरा घर बचाना होगा मुझे। मैं बहुत थक गया हूँ। मेरा घर जल रहा है। हम तुम्हारी मदद कर देते हैं, ठीक है? मैं भी मदद करूंगा। चलो जाकर और पानी लेकर आओ। ये क्या सच में मेरी मदद कर रहे हैं? क्या तुम सच में मेरी मदद कर रहे हो? धन्यवाद। तो आग बुझ गई। क्या बात है? वो कहाँ चला गया?
लगता है हम दोनों को भागना चाहिए। चलो तुमने ये बहुत गलत किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूँ मैं।